दुबई में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में यूपी 112 को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इस कंपटीशन में सिंगापुर पुलिस को पहला और शारजाह पुलिस को दूसरा स्थान मिला। डीजीपी ओपी सिंह ने बताया कि यह पुरस्कार हमें नागरिक सुविधाओं में और सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। जानकारी के मुताबिक इस प्रतियोगिता में दुनिया भर की 500 से ज्यादा पुलिस संस्थाओं ने भाग लिया था। इनमें प्रमुख रूप से अमेरिका का डायल 911, ऑस्ट्रेलिया का 102 और यूरोप का 112 समेत दूसरे इमरजेंसी सर्विस एक्शन लॉ एजेंसीज ने भाग लिया था। केस स्टडी और रिसर्च के बाद एक विशेषज्ञों की टीम ने विजेताओं की घोषणा की। यूपी पुलिस के डीजीपी ओपी सिंह ने अवार्ड फंक्शन की तस्वीर शेयर करते हुए यूपी 112 को बधाई दी है। बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम का आयोजन दुबई सरकार, दुबई पुलिस और अवाया के संयुक्त तत्वाधान में किया गया था। दुबई पुलिस के ब्रिगेडियर जनरल डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल रहमान यूसुफ बिन सुल्तान ने यूपी पुलिस को यह पुरस्कार प्रदान किया। यूपी 112 के एडीजी एससी मरुण ने मीडिया को बताया था कि इस अवार्ड के लिए यूपी 112 का नामांकन बिल्कुल अंतिम समय पर किया गया था। उनके मुताबिक इस अवार्ड के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की पुलिस इमरजेंसी नंबर 911, ऑस्ट्रेलिया 102 और यूरोप 112 समेत तमाम बड़ी संस्थाओं ने नामांकन करवाया था, जिसमें सर्वश्रेष्ठ कॉल सेंटर का चयन मूल्यांकनकर्ताओं के एक विशेषज्ञ पैनल द्वारा किया जाना था। आपको बता दें कि यूपी पुलिस इससे पहले भी कई अवार्ड जीत चुकी है। इससे पहले यूपी पुलिस को प्रयागराज कुंभ मेले के बेहतरीन प्रबंधन और वीवीआईपी ड्यूटी मैनेजमेंट कैटेगरी में फिक्की स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2019 भी मिल चुका है। डीजीपी ओपी सिंह ने 23 अगस्त 2019 को यह पुरस्कार प्राप्त किया था। उस समारोह का आयोजन फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से नई दिल्ली के तानसेन मार्ग स्थित फेडरेशन हाउस में किया गया था। समारोह में यूपी पुलिस को 3 अन्य श्रेणियों बाल सुरक्षा, महिला सुरक्षा व सर्विलांस एवं मॉनिटरिंग में भी फिक्की का स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2019 प्रदान किया गया था। पूरे विश्व में जो टॉप 3 पुलिस कॉन्टैक्ट सेंटर जैसा कि उसको अवार्ड में कहा गया है, हम लोग आ चुके हैं और दुबई पुलिस ये अवार्ड इंस्टीट्यूट कर रही है। इसमें वो देखते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी कैसी है और हमारी वर्क की डिलीवरी कैसी है। तो जब से हमने 112 की ओर कदम बढ़ाया है तो हमारा पूरा फोकस है कि हर नागरिक को हम संतुष्ट करें और पूरी कानूनी कार्रवाई करके दें। और इसका प्रतिफल ये है कि हम टेक्नोलॉजी के साथ साथ प्रोसेस में भी बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं और कल हम लोग को मालूम होगा कि हम लोग वाकई में ये अवार्ड पाते हैं कि नहीं। पर कितना बड़ा अचीवमेंट है फिर भी अगर इसमें लिस्टेड होना भी, अपने आप में हम कह सकते हैं कितना बड़ा अचीवमेंट आपने? हम लोग काफ़ी संतुष्ट हैं टॉप 3 में आकर के भी, क्योंकि नॉर्मली हम लोग हमेशा टेक्नोलॉजी में विकसित देशों से पीछे रहते थे और हम लोग सीखते थे, लेकिन ये बहुत खुशी की बात है कि हम लोग इस प्रक्रिया में भी टेक्नोलॉजी में भी विश्व स्तरीय लेवल पे खड़े हुए हैं और कम्पीट कर रहे हैं इसको। आप हमारे साथ साथ कौन कौन है, इंडिया के साथ साथ और कौन कौन कंट्रीज हैं? भारत के एजेंसीज में से यूपी की 112 है और विकसित देशों में यूएसए की कई सिटीज़ 911 सिस्टम के साथ हैं, ऑस्ट्रेलिया के भी मेरे ख्याल से 102 बोलते हैं वहाँ पे उसके हैं, यूरोप की कंट्रीज़ भी हैं और उसमें हम लोग काफ़ी ऊपर पहुँच चुके हैं, ये बहुत संतोष की बात है। हम कह सकते हैं लेट्स होप फॉर द बेस्ट और हम 112 का यहाँ तक आना भी अपने आप एक बड़ा जी। निश्चित रूप से दुआ करें कि हम लोग अंतिम रूप से भी प्रथम आए और जहाँ तक हम पहुँचे वहाँ से भी हम लोग काफ़ी संतुष्ट और खुश हैं। अभी इस सिस्टम को यहाँ तक पहुँचने में कितना आप लोगों को दिनदार लगाना पड़ा, हम कह सकते हैं यहाँ इसको अचीव करने जी, के लिए जी, यहाँ तक आने जी यहाँ तक आने के लिए मेहनत काफ़ी सारी हुई है और मेहनत के साथ साथ अच्छी बात ये रही कि शासन के लेवल पे, विभाग के लेवल पे लगातार हमने देखा सिस्टम को लागू करने के बाद कि इसमें और अच्छा क्या कर सकते हैं, हमसे गलतियाँ क्या हो रही हैं, तो कांस्टेंट अपग्रेडेशन इसमें रहा है, मिड कोर्स करेक्शन रहा है,
जिसकी वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं। और ये प्रक्रिया कभी ख़त्म भी नहीं होगी, हम लोग आगे भी अपने आप को सुधारते रहेंगे जिससे कि हम लोग नागरिकों की बेहतर सेवा कर पाएँ।